अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा CSS का एक कंपलसरी पेपर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, GS, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर दो से दो पार्ट्स होते हैं, जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी। ठीक है, जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है उसके 60 मार्क्स होते हैं, और जो जनरल एबिलिटी होती है उसके 40 मार्क्स होते हैं। तो 60-40 की रेशियो है, पहले ये याद रखें। अच्छा, इसमें याद रखें जी, ये वाला पोर्शन 60 मार्क्स का है और ये वाला पोर्शन एबिलिटी का जो है वो 40 मार्क्स। आज इंशाल्लाह आपकी दोनों क्लासेस होंगी, पहले जनरल साइंस की क्लास है, मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद जनरल एबिलिटी वाले सर आएंगे, वो जनरल एबिलिटी पढ़ाएंगे। पूरे वीक का मैं टाइम टेबल आप लोगों को शेयर कर दिया। अच्छा, जो ये जनरल साइंस का पोर्शन होता है इसके फर्दर पे दो पार्ट्स होते हैं, 40 मार्क्स की सब्जेक्टिव होती है और 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, 20 MCQs होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छा अब बच्चों ये चीज ध्यान रखिए, जो GSA का पेपर है ना, ये इतना जबरदस्त है कि ये हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे आप 80+ नंबर इजीली ले सकते हैं, और इतने नंबर आप किसी और कंपल्सरी पेपर में आसानी से नहीं ले सकते, तकरीबन नामुमकिन वाली बात है कि इस पेपर में हम नंबर ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम सिलेबस में जाएं तो जनरल साइंस के सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, अच्छे आ गए, जी सर, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहते हैं इसको साथ। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड साइंस है और IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम स्टार्ट करेंगे इसमें, स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह इन्वायरमेंटल साइंस के पोर्शन से, ठीक है, उसके पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा बच्चों, ये चीज याद रखे, दो चार चीजें दिल में रखनी है कि जनरल साइंस के अंदर जो ये 60 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें जो सवाल आता है वो 20 नंबर का एक सवाल आता है, 20-20 नंबर के 4 सवाल आते हैं, दो करने होते हैं और ये 20 MCQs करने होते हैं। लेकिन वो जो 20-20 नंबर के सवाल आते हैं उनके आगे फर्दर 5-5 नंबर की डिवीजन होती है, यानी 20 मार्क्स क्वेश्चन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। इसका बताने का मकसद ये है कि आप जो भी पढ़ेंगे उसकी मैक्सिमम वेटेज 5 नंबर होगी, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसकी मैक्सिमम वेटेज क्या होगी, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से ज्यादा का वो उसकी वेटेज नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अच्छा अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी बेसिस पे आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना, जनरल साइंस के पेपर में। तो उसमें सबसे पहली चीज है डायग्राम्स। आपने जब भी CSS का जनरल साइंस का पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने डायग्राम्स जरूर बनानी है रेलेवेंट। इसके बाद होता है कि आपने लेबल करना, लेबल दीज डायग्राम्स, आपने उनको लेबल भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन ब्रीफली। डायग्राम्स बनेगी, वो लेबल भी होंगी और एक्सप्लेन भी होंगी क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए, वो डिटेल में नहीं, ब्रीफली। अच्छा, इसके अलावा आपने अवॉइड करनी है ऐसे टाइप राइट, यानी आपने इस तरह की राइटिंग नहीं करनी कि आप जैसे कोई ऐसे लिख रहे हैं पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, नो, ये नहीं आपने करना। आपका आंसर दैट शुड बी टू द पॉइंट और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए आपका आंसर, कि जिस तरह का क्वेश्चन है वैसा ही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये चीज आपने बच्चों याद रखनी है कि ये बुनियादी तौर पे आपने इन चीजों को फॉलो करना। अच्छा, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए आंसर, ठीक है ना, तो ये याद रखिए साइंसेज के अंदर ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आप क्वेश्चन को 3 या 4 सफों पे लिखें, इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अगर बाज़ुकात आपके क्वेश्चन का आंसर आधे पेज भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, और बाज़ुकात आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर 2 पेजेस में भी आ सकता है,
तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर की नेचर चेंज होगी, उसकी लेंथ जो है वो चेंज, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जो डायमेंशन एग्जामिनर ने आपसे पूछी है उसी डायमेंशन के बारे में आपने जवाब देना, ठीक है। ये चीज आपने जेब में रखनी। लेकिन अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपसे, आज पहला लेक्चर है तो हम इन्वायरमेंट और उसके सेगमेंट्स के हवाले से आज बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके सेगमेंट्स कितने होते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट? देखिए, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, जो आपकी सराउंडिंग है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारे, मेरे लिए, मेरे अलावा जितनी भी चीजें मेरे सराउंडिंग में हैं, बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहूं तो मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा कि इन्वायरमेंट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, फिजिकल, ये चाहे गिरते, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स या कंपोनेंट्स विच सराउंड अस। यानी इन्वायरमेंट तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल से मुराद है जैसे हमारे माउंटेन्स हो, दरिया हो, पहाड़ हो, ठीक है ना, वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स है। केमिकल कंपोनेंट से मुराद है जैसे हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट से मुराद हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग थिंग्स। तो इन सब की कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो दैट इज कॉल्ड आर एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बच्चों, बायोटिक का मतलब है वो कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ होती है, और ए बायोटिक से मुराद है वो कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ नहीं होती। पौधों में, जानवरों में लाइफ है, वो भी हमारा एनवायरनमेंट है, लेकिन पहाड़ों में, दरियाओं में, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो सारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। टेम्परेचर है, रेनफॉल है, यस, बायोटिक मीन्स लिविंग, ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जरा देखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स के बारे से, ये तो एनवायरनमेंट की सिर्फ मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, अब इसके सेगमेंट्स के बारे से हम जरा बात करने लगे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, एनवायरनमेंट के चार सेगमेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये चीज बच्चों याद रखें, एनवायरनमेंट हैज फोर सेगमेंट्स, फोर सेगमेंट्स। एटमॉस्फेयर मींस एयर, हाइड्रोस्फेयर मींस वाटर, लिथोस्फेयर मींस सॉयल एंड बायोस्फेयर मींस लाइफ या लिविंग कंपोनेंट्स। सो एयर, वाटर, सॉयल एंड लाइफ, दिस इज एन अदर डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग कंपोनेंट्स। इसका मतलब है एयर, वाटर, सॉइल जो है ये तीनों एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, और जो आपकी बायोस्फीयर में ये लाइफ या लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं ये सारे एक बायोटिक फैक्टर्स में आ जाए, ठीक है। तो ये है एनवायरमेंट के सेगमेंट्स।
अब हमने ना इनकी डिटेल पढ़नी है सबकी। सबसे पहले आज हमने बात करनी है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या एयर की आप डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। एटमॉस्फेयर इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस। एटमॉस्फेयर इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर के तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हैं मेजर कंपोनेंट्स, यानी अब गैसेस है ना इसके, तो तीन तरह की गैसेस हैं। पहले आ जाती है मेजर कंपोनेंट्स। मेजर में वो गैसेस होंगे जिनकी परसेंटेज एयर में ज्यादा हो। इसमें सबसे पहले आती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है जी एयर में। दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑक्सीजन, जो कि 21% होती है ऑक्सीजन एयर में। सो मेजर कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू टू बेसिकली गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन माइनर कंपोनेंट्स, माइनर कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू गैसेस। इसमें भी दो गैसेस आ जाती हैं। पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज 0.03% इन एयर, और सेकेंड नंबर पे आ जाती है आर्गोन। आर्गोन इट इज 0.09% इन एयर। सो देखिए ये मेजर इसलिए है क्योंकि ये एयर में ज्यादा परसेंटेज में, और ये माइनर इसलिए है क्योंकि ये एयर में कम परसेंटेज में। तीसरी तरह के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेस कंपोनेंट्स। ट्रेस कंपोनेंट्स आर दोज गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर इन नेग्लिजिबल अमाउंट। ट्रेस कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल दोज गैसेस विच आर प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे कि वाटर वेपर्स, ओजोन, मीथेन, ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड, नोबल गैसेस, ठीक है, और भी आप ले लें, इसमें बहुत सारी और भी गैसेस आ सकती हैं, ठीक है जी। तो ये एक लंबी लिस्ट है, यानी यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ गैसेस आर देयर। तो बेसिकली ट्रेस कंपोनेंट्स इंक्लूड वाटर वेपर्स, ओजोन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नोबल गैसेस एंड अदर कंपोनेंट्स। दैट्स इट, बेसिकली दिस इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। अच्छा, अगर आपसे इसका मतलब आपसे कोई एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पूछे तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि जनाब इसकी ये डेफिनेशन है, और अगर आपसे कोई इसकी कंपोजिशन पूछे तो आप कंपोजिशन के बारे में भी बता सकते हैं। अच्छा, अगली चीज जो हमने पढ़नी है वो है सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मैं रब करने लगा हूं, लिख लिए ना आप लोग। यानी ये जो एयर हमारे इर्द गिर्द है, इसके कितने सेगमेंट्स हैं, ये एक डायग्राम के जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे, और ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये जरा प्लीज डायग्राम हमने बनानी है, जिसमें हम एयर के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, सॉरी सेगमेंट्स के बारे में। अच्छा जी, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर एंड दिस इज फोर्थ वन।
फोर्थ ईयर, ये हैं एयर की डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। दिस इज ट्रोपोस्फेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दिस सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, दिस थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर, एंड दिस लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर। दीज आर फोर लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इससे ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये पहले आप लिख लें फिर आगे चलते हैं। जीरो से 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, 11 से 55 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, 55 से 85 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है, 85 से 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है। ये मुख्य लेयर्स हैं जिनकी ये मैंने आपको हाइट्स बताई। अच्छा, अब ये जो याद रखिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में 23 किलोमीटर ऊपर, 23 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोनोस्फीयर। इट इज अबाउट 23 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ओजोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट ही है, उसका हिस्सा ही है, लेकिन उसको एक सेपरेट हमने नेम दे दिया है ओजोनोस्फीयर। तो अब लेयर्स हमारी ये, अच्छा ये जो एक्सोस्फीयर होती है इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि 500 से स्टार्ट होती है और कम से कम ये 22,000 किलोमीटर तक जाती है जमीन से ऊपर, ठीक है। आप कम से कम, ज्यादा से ज्यादा ये 30,000 बार बुक्स में लिखा हुआ है, इससे भी ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि स्टार्ट होती है 500 से और एटलीस्ट 22,000 किलोमीटर अबव द अर्थ ये जाती है। अबव द अर्थ, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जमीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसकी हमने लेयर्स के नाम लिए। देखिए, अब हमें ना एक तो बस सीएसएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर पूरी इनकी इंपॉर्टेंस बताएं, इनकी टेम्परेचर रेंजेस भी बताएं और इंपॉर्टेंस भी बताएं, तो वो ना इसलिए हमें अलग अलग इन लेयर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर की सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कंपोजिशन, यानी इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, ये दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं और मीथेन। ये पांच गैसेस इस लेयर में लाजमी होती है ट्रोपोस्फेयर में, मतलब ये पांच गैसेस इन इस लेयर में लाजमी तौर पे पाई जाएंगी। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये तो हो गया इसकी कंपोजिशन, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो गैसेज है इनका क्या रोल है, यानी ट्रोपोस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप जरा गौर करें, ऑक्सीजन जो है दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। नाइट्रोजन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके बगैर प्रोटीन नहीं बन सकती। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प इन
फोटोसिंथेसिस, पौधे पराग नहीं बना सकते, और इसके अलावा ये तीनों गैसेस जो हैं ये मेंटेन करती हैं टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। इसका मतलब है कि जो तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं ट्रोपोस्फेयर में, ये इनमें से कोई एक चीज भी रुक जाए तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ऑल थ्री गैसेस हेल्प इन मेंटेनिंग दी टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, इनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ये जो पहले वाली लेयर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका टेम्परेचर कितना होता है ये भी नोट कर लें जी, ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा टेम्परेचर कितना होता है जी, इसमें गौर कीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें याद रखें जी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर +15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप जितना जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, -56 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये एक लॉ है जिसको पास्कल्स का लॉ है। पास्कल ये कहते हैं कि एज वी गो हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। एवरेज टेम्परेचर जमीन का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होते होते -56 तक चला जाता है। अच्छा अब जो जगह जहां पे ये टेम्परेचर -56 होता है, ये होती है बॉर्डर लाइन ट्रोपोस्फेयर की, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं जी? ट्रोपोपॉज़ ट्रोपोपॉज, यानी वो जगह जहां पे ट्रोपोस्फेयर का एंड ट्रोपोपॉज। ये आप याद रखिएगा कि जो बॉर्डर लाइन ऑफ ट्रोपोस्फेयर है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया, ये अर्थ एयर की पहली लेयर है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा जी बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसके बारे में भी आप नोट कर लें कि द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में कि स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन गैस O3, इसका फॉर्मूला इट ओनली कंटेन्स ओजोन, ओजोन इसके अंदर एक ही गैस है और उस गैस का क्या नाम है? ओजोन। अब ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए नोट किया है, ओजोन बेसिकली एक शील्ड है। देखिए ये जो ओजोन की लेयर अलग मैंने बनाई है यहाँ पे, तो इसका काम है कि सूरज की जो शुआएं आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उनको ये ओजोन की लेयर ब्लॉक करती है। ठीक है, तो आप लिख लें कि ओजोन लेयर हेल्प्स इन ब्लॉकिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन, दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कैन कॉज कैंसर, कार्सिनोजेनिक। याद रखें जो ये जो भी रेस को ब्लॉक करती है ना ये ओजोन की लेयर, वो यूवी बी रेडिएशन है, ये रेडिएशन की टाइप है, और ये हाँ जी कैंसर कॉज कर सकती है। इसका मतलब है कि ओजोन की लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है। यस, स्किन कैंसर, हाँ जी आई का आई स्ट्रक्चर डैमेज कर सकती है, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, तो ये इसका मतलब है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ओजोनोस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर क्योंकि उसके अंदर ओजोनोस्फेयर है। तो ये नोट कर लें कि ओजोन लेयर को इसलिए ना हम बोलते हैं अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, इसको अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी कहते हैं और इसको प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ। अच्छा अब इसका टेम्परेचर कितना होता है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इसका टेम्परेचर -56 से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर -56 से -2 पे चला जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो, क्योंकि -2 बिग क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, और -56 छोटी क्वांटिटी।
अब ये -56 से -2 जो हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ, हालांकि पास्कल्स लॉ के मुताबिक कम होना चाहिए था। द रीजन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। ये नोट कर लें कि इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। द रीजन बिहाइंड इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय ओजोन लेयर। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय ओजोन लेयर। सो यहां पे टेम्परेचर कम होने की बजाय इंक्रीज होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। इसका जो बॉर्डर लाइन होगा स्ट्रेटोस्फीयर का, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, स्ट्रेटोपॉज। जिस तरह हम बात कर रहे थे ट्रोपोपॉज की, इस तरह होगा स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज इज बेसिकली द बॉर्डर लाइन ऑफ स्ट्रेटस, इट इज द बॉर्डर लाइन ऑफ स्ट्रेटस। ये स्ट्रेटोस्फीयर का बॉर्डर लाइन, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं एरोप्लेन, यूजली ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, ज्यादातर ट्रोपोस्फेयर। अगर मैं देखें इस डायग्राम में मजीद चीजें ऐड करूं, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, वाटर वेपर्स होंगे, मीथेन गैस होगी, फॉर्मूलाज लिख रहा हूं मैं इनके, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम इस दूसरी लेयर की बात करें तो इसमें O3 यानी ओजोन गैस। इसी तरह ये आ गई है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में मीजोस्फीयर की जो कंपोजिशन होती है इसमें सबसे पहले याद रखें कि नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस, आपने नोबल गैसेस के बारे में सुना होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन, ये गैसेस इसमें होती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, आयरन वेपर्स भी होती है। आयरन वेपर्स, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आयरन के वेपर्स कहां से आते हैं। हालांकि आयरन इज अ मेटल, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मीजोस्फीयर है ना, यहां पे नोबल गैसेस हैं और यहाँ पे आयरन के वेपर्स, आयरन वेपर्स। अच्छा, आयरन इज अ मेटल लेकिन ये वेपराइज फॉर्म में यहाँ मौजूद है, वो कैसे है उसकी मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले इसकी ना ये कंपोजिशन आपको पता चलेगी, अब इसका जरा फंक्शन सुने फिर आपको समझ में आएगी। बच्चों एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मीटियोर्स, क्या होती है, मीटियोर्स। यहाँ पे वर्ड मैं यूज करूंगा मीटियोर्स, इसको हम उर्दू में शाह अपने साकिब कहते हैं। बाद वक्त ये कायनात के हवाले से थीरी है कि जब कायनात बनी थी तो बिग बैंग बहुत बड़ा धमाका हुआ था और एक मैटर जो है वो मुख्तलिफ मादों की सूरत में, चंग की सूरत में घूम रहा है, तो उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको मीटियोर्स कहा जाता है। वो मीटियोर्स जब अर्थ की ग्रेविटी में आते हैं तो अर्थ उनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वो बड़ी तेजी के साथ एटमोस्फेयर को क्रॉस करके थर्मोस्फेयर में आते हैं, थर्मोस्फेयर से जब वो मीजोस्फेयर में आते हैं तो वो यहाँ पे आगे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब जो मीटियोर होते हैं उनमें दो चीजें होती हैं, डस्ट और आयरन। तो चूंकि डस्ट और आयरन में मौजूद है और वो यहाँ पे आके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, इसलिए इस लेयर के अंदर आयरन वेपर्स पाए जाते हैं। सही समझे, नहीं है, मैं कह रहा हूँ मीटियोर्स जो बड़े बड़े होते हैं अगर वो हिट करें अर्थ को तो नुकसान हो जा सकते हैं। डायनासोर एक्सट्रीम थी उसकी वजह से, आज से करोड़ों साल पहले बहुत बड़ा मीटियोर हिट हुआ था अर्थ को जिसकी वजह से डायनासोर एक्सट्रीम हो, तो वो मीटियोर्स यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन। बल्कि इस लेयर की इंपॉर्टेंस भी यही आप नोट कर लें कि मीजोस्फीयर हेल्प्स इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ मीटियोर्स, मीजोस्फीयर हेल्प्स इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ मीटियोर्स। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मीटियोर्स। तो ये जो है, अच्छा आप जरा गौर करें इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये जो मीजोस्फीयर होता है इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। मीजोस्फीयर का टेम्परेचर देखें, स्टार्ट हुआ था -2 से
और ये कम होता होता -100 तक चला जाएगा, -2 से -100। भाई इतना कम टेम्परेचर क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे तो पास्कल्स लॉ भी अप्लाई हो रहा है, दूसरा यहाँ पे कोई ओजोन या इस तरह की गैस ही नहीं है जो रेडिएशन को ट्रैप करे, क्योंकि नोबल गैसेस तो वैसे ही रेडिएशन को ट्रैप नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे इस तरह की गैसेस जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है, जो कि रेडिएशन को ट्रैप करे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने के लिए डिक्रीज होता है पास्कल्स का लॉ के मुताबिक। ये मीजोस्फीयर है। इसके बाद हम आते हैं थर्मोस्फीयर है। अच्छा बच्चों, सूरज की शुआइन जो सन रेज हैं वो मुख्तलिफ तरह की हैं जो हमारी पास हमारी तरफ आ रही है, जैसे कि यूवी, आईआर, एक्स रेज, गैमा रेज, रेडियो वेव्स। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि जो हाई एनर्जी वाली रेडिएशन है वो ऊपर ही ट्रैप हो जाती है, जैसे एक्स रेज, गैमा रेज, वो हम तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंचे तो यहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया भाई के अब ये जो रेडिएशन हैं ये कहाँ ट्रैप होती हैं? ये थर्मोस्फेयर में ट्रैप होती है। थर्मोस्फेयर के अंदर वो रेज पाई जाएंगी जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सूरज की वो शुआएं इधर फिल्टर हो जाएंगी, कम एनर्जी वाले रेडिएशन नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आप जरा नोट कर लें कि थर्मोस्फेयर के अगर मैं जाऊं इसके ऊपर, थर्मोस्फेयर की कंपोजिशन के ऊपर, तो नोट कर लें कि थर्मोस्फेयर कंटेन्स मॉलिक्यूलर आइंस। इसमें मॉलिक्यूलर आइंस होंगे जैसे नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये होते हैं मॉलिक्यूलर आइंस। ये मॉलिक्यूलर आइंस क्यों पाए जाते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी लेयर में मॉलिक्यूलर आइंस होती है, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव वगैरह वगैरह। तो ये चीज याद रखिएगा, इसी वजह से बाद इस लेयर को हम कहते हैं आयनोस्फेयर, इसका नाम आयनोस्फेयर भी है, यानी थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम है आयनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आइंस की प्रेजेंस होती है, आइंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और वो क्यों आइंस पाए जाते हैं? क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब इसका इस लेयर का फायदा क्या है? तो इस लेयर का फायदा ये है कि जब हाई एनर्जी रेडिएशन ट्रैप होंगी तो लो एनर्जी रेडिएशन नीचे की तरफ आएंगे और वही लाइफ को सपोर्ट करेंगे। सो दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन लो एनर्जी रेडिएशन आर कमिंग टूवर्ड्स अर्थ एंड सपोर्टिंग लाइफ। अगर ये हाई एनर्जी रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप ना होती तो लो एनर्जी रेडिएशन अर्थ की तरफ ना आती, तो इसकी जो लो एनर्जी रेडिएशन की जो अर्थ की तरफ ट्रेवलिंग है वो इसी फिनोमेना की वजह से। और इसका जो बॉर्डर लाइन होगा उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोपॉज, जैसे कि ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज और थर्मोपॉज। थर्मोपॉज, उसके बाद अगली लेयर एक्सो। एक्सो कहते हैं इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हम बोल रहे थे बताना, इसको थर्मोस्फेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर याद रखिएगा जी -100 से स्टार्ट होता है, -100 से स्टार्ट हुआ और बढ़ते 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 ये +1500 तक चला जाता है। हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हॉटेस्ट लेयर है, हॉटेस्ट, इस देयर वर्ल्ड इज कॉल्ड एज थर्मोस्फेयर। थर्म कहते हैं हीट को, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि रेडिएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये है जनाब थर्मोस्फेयर। अच्छा, एक्सोस्फेयर आउटर लेयर है, एक्सो कहते भी आउटर को। तो एक्सोस्फेयर में एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है। क्या हो रहा होता है? डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस सक्सेसिवली, तो इसलिए ये लेयर कोई हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका कोई लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत दूर भी है और यहाँ पे एयर की डेंसिटी सक्सेसिवली
डिक्रीज होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही। तो ये चीज भाई याद रखिएगा कि यहाँ पे एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है एंड दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेयर टू अस, ये हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं। ये है जनाब एयर की इंपॉर्टेंस और कंपोजिशन एट सेगमेंट्स, ये हमने पढ़े हैं, सिर्फ सेगमेंट्स पढ़े, ठीक है ना, एयर के हवाले से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन करें, फिर आगे चलते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ मैथमेटिकली प्रूव किया था और वो प्रेशर और टेम्परेचर के बारे से वो रिलेट करता है। वो कहता है कि जितना आप हाइट पे जाओगे ना उतना टेम्परेचर और प्रेशर कम होगा, जमीन से जितना आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर और प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पास्कल। बाकी तो उसकी पूरी डेरिवेशन है वो उसकी तरफ, वो हमारा स्कोप नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल ये पास्कल। दो मिनट को देख ले बच्चों, फिर आगे चलते हैं। हाँ बस एंड होने वाला है ये बच्चों, लिंक्स इसको देख लो उधर से आ रहा। एंड दोबारा फिर पढ़ तो ये डायग्राम इस तरह ही बनाएगा पेपर में जी डायग्राम।